हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज अपन बात करेंगे एनएमडीसी लिमिटेड की, जिसमें एक अच्छा खासा गिरावट का दौर हमें पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है। लेटेस्ट हाई की अगर अपन बात करें तो 286 रुपये स्टॉक ने एक टाइम पर टच किया था, और अभी प्रेजेंट की अगर अपन बात करें तो इसने 212 को वापस दो बार टच किया। दैट मीन्स एक डबल बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। इसकी न्यूज़ भी आई है दोस्तों, इसकी न्यूज़ हम देख लेते हैं। एनएमडीसी के बारे में कंपनी रिपोर्ट किया था कि अगस्त में हमारा 9.9% डिक्रीज हुआ है आयरन और प्रोडक्शन का, वो एक्चुअल में 3.07 हुआ है कंपेरेटिव टू 3.141 मिलियन टन्स। ठीक है, उसके बाद में और ये जो उनका जो क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन अप्रैल में वो भी फॉल हुआ है 14.43 मिलियन टन्स, जबकि लास्ट टाइम पे हुआ था 16.56 मिलियन टन्स। तो कहीं ना कहीं ये एक नेगेटिव न्यूज़ है दोस्तों। बस इस नेगेटिव न्यूज़ के बाद में हमें डरना नहीं है, क्योंकि अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे दोस्तों, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद में आप देखोगे तो इसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव न्यूज़ है। हाँ, बट अगर ये हर एक दो तीन महीनों में, अगर क्योंकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो हो सक चांसेस रहते हैं कि इनका आयरन प्रोडक्शन कम हो जाता है, बट अगर अगस्त के बाद में सितंबर अक्टूबर में जब वापस रफ्तार पकड़ेगा तो डेफिनेटली चांसेस रहेंगे कि अच्छा प्रोडक्शन होगा तो उसका रिफ्लेक्शन शेयर में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके शेयर की। अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, तो ये जो शेयर है 210 से अभी रिसेंटली 233 गया था, मैंने वीडियो भी बनाया था, अब वापस यहाँ पर आ चुका है। अब एक शानदार लेवल है आपको खरीदने के लिए, छोटा मोटा अगर आप शॉर्ट कवरिंग आती है इसमें तो छोटे मोटे के लिए आप बाई कर सकते हो, बट ऐसे लोग जो इसमें ट्रिप हुए हैं वो डेफिनेटली यहाँ पर एवरेज का प्लान कर सकते हैं, अगर उनको जल्दी एग्जिट करना है, अपना लॉस रिकवर करना है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, कि अगर डबल टॉप पैटर्न ये कन्फर्म होता है तो वापस हमें 233 तो देखने को मिलेगा ही, और एक बार ये डबल बॉटम और डबल टॉप इसने बना दिया तो फिर बहुत ही ज़्यादा चांसेस देखने को मिलेगा कि यहाँ से एक शानदार ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा, और फिर हमारा टारगेट जो दोस्तों वो 244 आता हुआ देखने को मिलेगा। तो 244 के लिए जाना है आपको तो 212 बेस लेवल है, अगर यहाँ से 244 भी सस्टेन कर गया दोस्तों ये वाला, ठीक है, अगर ये 242-244 अगर सस्टेन कर गया तो फिर हमारा जो टारगेट नेक्स्ट इसमें ये आएगा 253 रुपीज का। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि यहां पर एक अच्छा बाइंग जोन देखने को मिल रहा है हमें। ठीक है, अगर इस शेयर के हम हिस्टोरिकल देखें तो आप देख सकते हो कितना बड़ा है शेयर, 104 रुपये का शेयर, 300-280 इसने टच किया था, और ये 104 रुपये का शेयर था 31 जुलाई 2023 में, तो 23 और 24 मतलब ऑलमोस्ट इसने 200% का रिटर्न हमें दिया है। ठीक है, अगर उस टाइम्स के पहले की अगर अपन बात करें तो आप देखोगे कि यहाँ पर आप देखना ध्यान से, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ उसको उस बात में कितनी रियलिटी है। आप देखोगे कि जुलाई में, ठीक है, जुलाई में अगस्त में इस स्टॉक में एक अपसाइड मूवमेंट आया था, फिर डाउनसाइड आया था, फिर अपसाइड मूवमेंट आया, फिर डाउनसाइड आया, दैट मींस कहीं ना कहीं बायर्स ऊपर लेके गए और सेलर ने इसको वापस पुश करके नीचे धकेल दिया। बट अल्टीमेटली क्या हुआ दोस्तों कि उसके बाद में जब थ्री वीक्स के बाद में फोर्थ वीक में एक ग्रीन कैंडल बनी बुलिश, और फोर्थ वीक में तो कमाल ही हो गया था, 120 का शेयर 133 और 133 से फिर सीधा 152 की रैली लगाई थी। तो सेम यही मोमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जुलाई अगस्त सितंबर के महीने में एनएमडीसी में। और अगर मान लीजिए फिर भी ये सारी न्यूज़ पॉजिटिविटी होने के बाद भी अगर सस्टेन नहीं करता तो फिर 197 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा एनएमडीसी में। तो ये था एक छोटा सा वीडियो एनएमडीसी के ऊपर, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, साथ में अगर आपकी कुछ पोजिशन से कुछ हेल्प चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हो। इसी के साथ अपन वीडियो क्लोज करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।